अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पालक के पकोड़े। ये बहुत मजे के बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले पालक को मैंने वॉश कर लिया था पानी के साथ और इसके मेरे जो आगे डंडल थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और मेरे पास इस टाइम पालक है 1 पाव 250 ग्राम के करीब। अब मैं इसको काट लूंगी, ना बहुत ज्यादा मोटा काटूंगी और ना बहुत बारीक। पालक के बहुत से फायदे हैं, पालक जरूर खानी चाहिए। आप पालक का जूस भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पालक की जूस की रेसिपी भी लाऊंगी। हमने पालक को बहुत बारीक नहीं काटना क्योंकि थोड़ी सी मोटी होगी तो फिर आप इसके पालक के लच्छेदार पकौड़े बनाएंगे ना। ये देख रहे हैं, बस इतनी इतनी मोटी मोटी बस करनी है। पालक खानी चाहिए, पालक खाने से ब्लड भी बनता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और जिनमें खून की कमी होती है वो भी पूरी होती है। इसकी और भी बहुत सी फायदे थे, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैंने पालक काट लिया, ये पालक को मैं अब बाउल में शिफ्ट करूंगी। इसको मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिया। इसके लिए हमें जो ड्राई सीजनिंग चाहिए वो कुछ यूं है, 1 कप बेसन, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। ये देखें, इसको मैंने क्या किया था, हाथ में लेके इसको मैंने इस तरह से करके मसल लिया था, इस तरह करके, और ये मसल के 1 सूखा धनिया के 2 पीस हो गए। ये 1 खाने का चम्मच, सबस मिर्चें 4 अदद, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच, 1 बड़ा प्याज इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। पालक को मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया और प्याज 1 बड़ा स्लाइस किया हुआ ये डाल दूंगी, सूखा धनिया दरदरा सा करके ये डाल दूंगी, सबस मिर्चें ये ऐड कर दूंगी, नमक ये डाल दूंगी, अजवाइन, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी और बेसन मैं डाल दूंगी 1/2 कप। पहले 1/2 कप डालूंगी, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं दोबारा डालूंगी और इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूंगी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं मैं भी डालूंगी क्योंकि पालक और प्याज दोनों पानी अपना छोड़ते हैं। उसमें अगर हम पहले पानी डाल देंगे तो हमारा ये जो पालक के पकौड़े हैं बहुत लिक्विडी हो जाएंगे। पहले इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मसलूंगी और नमक मैंने अभी डाला है फौरन क्योंकि मैंने अभी बनाने हैं। ये एक टिप है कि अगर आपने पकोड़े बनाने हो तो आप सारे चीजें डाल सकते हो लेकिन नमक ना डालना, सारी चीजें इकट्ठी डाल लीजिएगा, लेकिन जब आपने पकोड़े बनाने हो तलने हो तब आपने नमक डालना है क्योंकि नमक भी पानी छोड़ता है। 1/2 कप मैंने डाला था ना, और 1/2 कप मैं अब और डाल दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स करूंगी। अब मैंने कुल 1 कप बेसन डाल दिया है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 2 से 3 खाने के चम्मच बस, और इसको मिक्स कर लूंगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी और मजे के पकौड़े बनेंगे। मैं ऑलरेडी पालक और आलू के पकौड़े बनाना सिखा चुकी हूँ, मैंने बहुत सी वैरायटी पकौड़ों की सिखा दी भी है। पालक वाले बैटर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, बस इससे ज्यादा हमने बेसन नहीं डालना। चले हम इसको अब फ्राई करते हैं। एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं अब ऑयल डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर ये पकौड़े डालती जाऊंगी। पालक के लच्छेदार पकौड़े हैं तो इसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करूंगी। बच्चों को पालक जरूर खिलाएं, उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चम्मच के साथ भी आप डाल सकते हैं लेकिन हाथ की मदद से जरा अच्छी तरह बनते हैं, कुरकुरे से बनेंगे। आप इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही। ये देखें 1 मिनट हो गया, अब मैं इसको हिला लूंगी, साइड चेंज करूंगी इसकी।
आराम से करेंगे ताकि छीन ना पड़े। पकोड़े डाल के फौरन ही हिलाने वरना टूट जाएंगे। सिंपल से हैं लेकिन बहुत मजे के हैं। बारिश के मौसम में आप ये बनाएं, बहुत मजे के लगेंगे आपको। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने साइड चेंज कर दिया है और अब मैं इसको एक मिनट के लिए इस साइड को भी पकाऊंगी। देखिए ये ब्राउन हो गए, बस इससे ज्यादा नहीं करने। अब मैं इसको बाहर निकालने लगी हूं, इस तरह से करके। ये देखें, आप इन पकौड़ों के साथ हरी चटनी, धनिया पुदीने वाली चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस डिप के साथ ये पकौड़े खाने हैं। ये बहुत मज़े के लगेंगे। और अब मैं इसको बाहर निकाल कर डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैंने पालक के पकौड़ों को डिश आउट कर दिया है। मज़ेदार से पालक के पकौड़े तैयार हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अभी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।